हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आज मैं आपको जो टॉपिक बताने वाला हूँ, न्यूक्लिक एसिड। आपको पता होगा न्यूक्लिक एसिड किसे कहते हैं। बहुत बार ये शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में आता है दो नंबर में, कि न्यूक्लिक एसिड की परिभाषा बताइए और इसके थोड़ा सा टाइप, तीन टाइप का होता है। हम आज इसको डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग हेडिंग डालिएगा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड देखिए, न्यूक्लिक इसका परिभाषा आप लोग लिखिएगा। न्यूक्लिक एसिड आर दी पॉलीमरेज, दी पॉलीमरेज ऑफ न्यूक्लियोटाइड इट इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए यहाँ जेनेटिक मटेरियल, इसी को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। बहुत सिंपल परिभाषा है, फिर से आपको एक बार सुन लीजिए। न्यूक्लिक एसिड आर आर दी पॉलीमरेज, पॉलीमरेज एक चेन होता है। दी पॉलीमरेज ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड इट इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सॉरी। इसके बाद इसे को कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। और देखिए न्यूक्लिक एसिड जो होता है, न्यूक्लिक एसिड तीन टाइप का होता है, थ्री टाइप का होता है। फॉलोइंग स्टेप, नंबर एक आप लोग लिख लीजिए, पेंटोज शुगर। नंबर टू नाइट्रोजनस बेस। नंबर तीन फास्फोरिक ग्रुप या फास्फेट। नंबर तीन फास्फेट। देखिए फिर से समझ लीजिए, न्यूक्लिक एसिड फॉलोइंग स्टेप। न्यूक्लिक एसिड तीन टाइप का होता है। नंबर एक होता है पेंटोज शुगर, नंबर दो होता है नाइट्रोजनस बेस, नंबर तीन होता है फास्फोरिक ग्रुप या फास्फेट। आप लोग को न्यूक्लिक एसिड समझ में आ गया होगा। इसकी परिभाषा मैं आपको बता दिया हूँ और इसका हम टाइप भी बता दिए हैं। तीन तीन टाइप के होते हैं। जैसा कि आप लोग फिर से एक बार सुन लीजिए, न्यूक्लिक एसिड किसे कहते हैं। रिपीट कर दे रहा हूँ जिसको ना समझ में आया हो। न्यूक्लिक एसिड आर दी पॉलीमरेज, पॉलीमरेज ऑफ न्यूक्लियोटाइड इट इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो यहां इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड, इसी को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड फॉलोइंग स्टेप ये थ्री टाइप का होता है। नंबर एक पेंटोज शुगर, नंबर दो नाइट्रोजनस बेस, नंबर तीन फास्फोरिक ग्रुप या फास्फेट। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो हम इसके बाद आपको पेंटोज शुगर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नंबर एक था न्यूक्लिक एसिड फॉलोइंग स्टेप, उसमें नंबर एक था पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर मैं आपको बता दे रहा हूँ, पेंटोज शुगर किसे कहते हैं। इट इज ए फाइव कार्बन कंटेनिंग शुगर प्रेजेंट, जिसमें क्या होता है, शुगर प्रेजेंट होता है इन बोथ डीएनए आर आरएनए, इन बोथ डीएनए आर आरएनए एंड डीएनए डीऑक्सीराइबोज शुगर, जिसमें क्या पाया जाता है, डी ऑक्सी राइबोज शुगर एंड आरएनए में राइबोज शुगर पाया जाता है, उसी को पेंटोज शुगर कहते हैं। देखिए आप लोग इसको डीएनए, इसमें पेंटोज शुगर में डीएनए और आरएनए भी पाया जाता है। डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड का होता है, आरएनए आपको भी पता होगा सिंगल स्टैंडर्ड का होता है, जिसमें डीएनए का यहाँ जो मालिक्यूल है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है, और उसके बाद
यहां जो आरएनए का मतलब है राइबोज शुगर या राइबोज न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है, इसे को पेंटोज शुगर कहते हैं। आप लोग एक बार फिर से हम परिभाषा रिपीट कर दे रहे हैं, पेंटोज शुगर किसे कहते हैं समझ लीजिएगा। इट इज ए 5 कार्बन जिसमें 5 कार्बन होते हैं, कंटेनिंग शुगर प्रेजेंट, उसमें शुगर प्रेजेंट होता है। इन बोथ डीएनए भी प्रेजेंट होता है, आरएनए एंड डीएनए डी ऑक्सी राइबोज शुगर एंड आरएनए राइबोज शुगर, इट इज कॉल्ड पेंटोज शुगर, इसी को पेंटोज शुगर कहते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मैं अगले वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। थैंक्स।